Vivo Apex वर्जन 2019 काफी खास और प्रीमियम स्मार्टफोन लग रहा है। फर्स्ट लुक जारी किया गया Vivo की तरफ से और वीडियो के आधार पर चलिए हम देख लेते हैं इसकी खासियत क्या है। तो इसकी खास बात यह है कि बिना होल वाला स्मार्टफोन है। यहाँ पे 3.5 mm का जैक, ना ही चार्जिंग के लिए कोई पोर्ट, ना ही सिम स्लॉट, ना ही स्पीकर, ना ईयरपीस, ना ही बटन्स दिए गए हैं। तो कौन सी खास टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज किया गया है स्मार्टफोन को बनाने में, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और इसकी कीमत क्या रहने वाली है, आज के इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, मैं सुधीर, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे YouTube के चैनल ओनली यूजफुल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नया है और आपके सपोर्ट और प्यार की जरूरत है सब्सक्राइब बटन के माध्यम से। तो नीचे लाल कलर का एक बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसे दबा दें और बगल वाले घंटे को बजा दें। चलिए अब इसे देखना स्टार्ट करें। तो ये हमें बॉडीज की जो दिख रही है, ग्लास यूनिबॉडी है। यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास का यूज किया गया है डिस्प्ले और बॉडी को बनाने में, ठीक है। तो एक ही ग्लास का यहाँ पे यूज किया गया है, एक ही ग्लास से, कोई जॉइंट नहीं है, एक ही ग्लास से यहाँ पे डिस्प्ले भी बना हुआ है और बॉडी भी बनी हुई है। अब बात करें तो 3.5 mm का जैक नहीं है, तो हम गाना कैसे सुनेंगे, हेडफोन का यूज कैसे करेंगे? तो आपको दिया जाएगा ब्लूटूथ हेडफोन। उसके अलावा यहाँ पे चार्जिंग के लिए पोर्ट नहीं है। बैक साइड में एक मैग्नेटिक स्ट्रिप दिख रही है और वही मैग्नेटिक स्ट्रिप सपोर्ट करेगी वायरलेस चार्जिंग को। तो थ्रू वायरलेस चार्जिंग हम अपने इस बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। अब यहाँ पे ईयरपीस स्पीकर्स नहीं है, तो यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है साउंड ऑन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, यानी कि स्क्रीन के माध्यम से आवाज बाहर आएगी और गाना और फोन कॉल आप सुन सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं, बटन्स नहीं है, ना ही इसमें ऑन ऑफ स्विच और ना ही वॉल्यूम रॉकर है। तो यहाँ पे यूज किया गया है टच सेंसिटिव या यूं कहें प्रेशर सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का। तो आपको फील बटन का नहीं आएगा, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे बटन होगा, प्रेशर सेंसिटिव बटन होगा, उभरा हुआ नहीं होगा। अब यहाँ पे सिम स्लॉट नहीं है, एक और छेद दिखता है हमें सिम स्लॉट। तो सिम स्लॉट नहीं है, यहाँ पे ई सिम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और फिलहाल इंडिया में अभी जियो और एयरटेल ही ई सिम टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने वाले हैं। वोडाफोन भी लाने वाला है, जल्दी वो ला देगा। तो आपको तीन ऑपरेटर दिख जाएंगे ई सिम टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने वाले। जब तक ये 5G आएगा तब तक वोडाफोन भी अपना अपग्रेड कर लेगा ई सिम टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। अब आते हैं कैमरा पे। तो कैमरा आपको फील नहीं होगा, उभरा हुआ कहीं से नहीं लगेगा, फील नहीं कर पाओगे कैमरा है, क्योंकि कैमरा ग्लास के अंदर दिया हुआ है, बैक रियर कैमरा। और सामने का यानी सेल्फी कैमरा की बात कर ले तो यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, या यूं कहे इन डिस्प्ले कैमरा आपको दिया गया है। चलिए तो ये रहा ऊपर ही उसकी बनावट। अब अंदर चलते हैं और अंदाजा लगाते हैं, स्पेकुलेट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पे हम प्रोसेसर देख के कह सकते हैं, क्योंकि वीडियो में जो प्रोसेसर दिख रहा है वहां पे क्वाकम लिखा हुआ है और 5G लिखा हुआ है। तो एक ही प्रोसेसर है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 855 क्वालकॉम की तरफ से। तो यहाँ पे आपको प्रोसेसर 855 स्नैपड्रैगन का मिलने वाला है। और यहाँ पे जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम सोच सकते हैं, तो चांसेस 99% एंड्रॉयड 9 पाई के हैं। उसके अलावा जो स्टोरेज है, यहाँ पे 12 GB का रैम हमें मिलने वाला है और 256 GB का यहाँ पे रोम मिलने वाला है बेस मॉडल में। अब उसके अलावा कैमरा क्या रहेगा, कैमरे जो कैमरा दिया हुआ है उसका स्पेसिफिकेशंस क्या रहेगा, तो मैं बता दूं यहाँ पे जो 855 प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का, वो सिंगल कैमरा 48 MP सपोर्ट करने वाला है। लेकिन हमें यहाँ पे ड्यूअल कैमरा सेटअप बैक साइड में दिख रहा है और ड्यूअल कैमरा सपोर्ट वो 22 MP का मैक्सिमम कर सकता है। तो यहाँ पे हमें जो प्राइमरी कैमरा मिल सकता है वो 16 MP या 20 MP का मिल सकता है और सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे 2 MP या 5 MP के मिल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस है 20 MP और 5 MP का कॉम्बिनेशन होने हो सकता है। अब आते हैं सेल्फी कैमरा क्या रहने वाला है। तो सेल्फी कैमरा 48 MP का सिंगल कैमरा को सपोर्ट करने वाला है। तो सेल्फी कैमरा हमें 25 MP तक का मिल सकता है। इसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है, तो 4000 mAh की बैटरी की बात कही गई है, हालांकि ऑफिशियल इसे अनाउंस कहीं नहीं किया गया है। अब आते हैं इसकी कीमत क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स 10 GB के साथ OnePlus 6T का मैकलॉरिन एडिशन आया था, उसकी कीमत 52,000 रुपये थी इंडियन मार्केट में। और यहाँ पे 12 GB का आपको सपोर्ट मिल रहा है, यानी कि रैम मिल रहा है और एक नया टेक्नोलॉजी है, यानी कि बिना छेद वाला डिस्प्ले है, वाटर रेजिस्टेंस होने वाला है, IP68 रेटिंग इसकी हो सकती है। 30 मिनट तक ये पानी के अंदर आप इसका मतलब इंजॉय इसे कर सकते हैं। तो इसकी कीमत की मैं बात कर रहा था, कीमत इसकी रह सकती है 60,000 रुपये से ऊपर, है ना, 60,000 रुपये से ज़्यादा इसकी हाईफाई कीमत भी नहीं रहेगी इंडियन मार्केट में, इसकी कीमत 60,000 के आसपास रह सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।